ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। आमिना के लाल, हजरत आयशा के सरदार, सैयदा फातिमा तहजारा के बाबा, मेरे हबीबे करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत फातिमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो बीबी अल्लाह के करीब होना चाहे, जो रब का कुर्ब पाना चाहे, जो अल्लाह की वलिया बनना चाहे, मुझे कोई नुस्खा बता दे, मैं औरतों को बताऊं। तो मेरे हबीब ने फरमाया, जो बीबी जितना घर के अंदर रहेगी, जितना घर के अंदर रहेगी, जितना घर के अंदर रहेगी, उतना ही वो अपने रब के करीब होती जाएगी, उतना ही अल्लाह का कुर्ब पाती जाएगी, उतना ही रब करीम की वलिया होती जाएगी, उतना ही अल्लाह तबारक का वताला उसे अपनी कुर्ब की मनाजिल तय फरमाएंगे। जितनी वो घर के अंदर रहेगी, उतनी अल्लाह के करीब रहेगी, और जितनी सजद हज के बाहर निकलेगी, जितनी सवरेगी, उतनी वो अल्लाह से दूर होती जाएगी। जितने कदम उसके घर से दूर निकलेंगे, उतने ही कदम उसके अल्लाह के कुर्ब से दूर होते जाएंगे, उतने ही कदम माएं तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। मेरी माओ तब कबूल होंगी जब तुम घर में रहोगी। बेटियों, रब करीम का कुर्ब उस वक्त नसीब होगा जब तुम घर के अंदर रहोगी। तुम भाई के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा, बेटे के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा, शोहर के लिए मांगोगी तो अल्लाह तुम्हें देगा। अगर चाहती हो कारोबार बढ़े, अगर चाहती हो रिस्क में बरकत हो, अगर चाहती हो तुम्हारे घरों में अमन हो, सुकून हो, जो तुम मांगो अर्श का मालिक तुम्हें अता करे, तो फिर मेरे रसूल ने नुस्खा बतलाया है, फिर मेरे करीम ने बतलाया, घरों में बैठी रहना, जितनी घरों के अंदर रहोगी उतना ही अल्लाह ज्यादा दर्जा अता फरमाएगा, तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा, तुम्हारी इल्तिजाएं अल्लाह मानेगा। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, औरत के साथ जो जुल्म इस मुआशरे में हो रहा है, बेपर्दगी का तूफान है, तूफान है बेपर्दगी का। एक बुजुर्ग थे दरवेश से, सादे से, वो आई साहब के पास अक्सर आया करते थे, तो थे बड़े सादे और थे बड़े नेक, पड़े हुए नहीं थे, जाग रहे आप हजरात, नेक बड़े थे। तो एक दिन ना पर्दे पे बहस हो रही थी, बैठे थे कुछ लोग तो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जनाब औरत को निकाब पहनना चाहिए, बुरका ओढ़ना चाहिए, कुछ कह रहे थे टोपी वाला बुरका अच्छा है, कुछ कह रहे थे फलां ज्यादा अच्छा है, बातें हो रही थी, कोई आयत पढ़ रहा था, कोई हदीस पढ़ रहा था, उलमा बाबा जी सादे से बीच में बैठे थे। मैंने उनकी तरफ तवज्जो की, मैंने कहा बुजुर्गो आप भी तो कोई जवाब देना। कहने लगे मौली साहब मुझे हदीसें नहीं आती। कहने लगे मुझे आयते और हदीसें, मुझे नहीं आती आयते और हदीसें, पर पर्दा बड़ा जरूरी है, ये मेरी अकल में बात आ गई है। तो मैंने कहा वो किस तरह? कहने लगा ये तो छोटे से बच्चे की भी अकल में आ जाती है। मैंने कहा साहब हमें भी समझा दें, चले हमें को बात मिल जाए, आप चले, अगर आपने इल्म नहीं पढ़ा तो उम्र तो आपकी ज्यादा है ना, आपने बुजुर्गों से बातें सुनी है। तो कहने लगे बेटा मेरा छोटा सा पोता है, वो बाजार से टॉफी खरीद के लाता है, अगर टॉफी के ऊपर से कागज उतार देता है ना तो टॉफी में मक्खियां बैठनी शुरू हो जाती हैं, टॉफी में मक्खियां बैठ जाती हैं, जब तक उसके ऊपर वो लिफाफा रहता है, कागज रहता है उस पर मक्खियां, अल्लाह करे आपको समझ आए, अल्लाह करे आपको समझ आए, अल्लाह करे उस दरवेश की बोली टकरा जाए। कहने लगे जब तक तो उसके ऊपर कागज रहा तब तक उस पर मक्खियां, और जब उसके ऊपर से कागज उतर गया तो मक्खियां बैठ गई। कहने लगे 4 साल का मेरा पोता, मैंने मिन्नत कर दी कि खा लो। मैंने लगा मैं नहीं खाता, इस पे मक्खियां बैठ गई हैं, मैं नहीं खाता, गंदी हो गई है, मैंने ये टॉफी नहीं खानी। कहने लगे मैं बूढ़ा आदमी दोबारा दुकान पे गया, जद्दोजहद करके नई टॉफी लाया, बेटे को कहा खा लो, अब उसने खाई। कहने लगे मुझे समझ में आ गई, जो बीबी पर्दा करेगी उस पर मक्खियां नहीं बैठेंगी, जो औरत पर्दा करेगी उस पर मक्खियां, और अगर उस पर मक्खियां बैठ गई तो फिर वो किसी के लिए काबिले कबूल है, और अगर पर्दे में छुपी रही, अगर पर्दे में छुपी रही, ओ भाई कीमती चीजों को गुलाब चढ़ते हैं, किसी ने कभी केमिस्ट्री गुलाब पे नहीं छुपाई, फिजिक्स नहीं छुपाई, कभी किसी शायर अदीब ने अपना लिखा हुआ शायरी का कलाम नहीं छुपाया, गुलाब जब भी चढ़ता है कुरान पाक में चढ़ता है। मेरे भाई करोड़ों और अरबों और खरबों का मकान बना के लोग उसको गुलाब नहीं चढ़ाते, गुलाब जब भी चढ़ता है बैतुल्ला को ही चढ़ता है, जो चीज कीमती होती है वो गुलाब पे होती है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अगर तुम अपने आप को कीमती बनाना चाहती हो तो गुलाब में छुप जाओ, तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, तुम्हारा वकार बढ़ जाएगा, तुम्हारी अजमत बढ़ जाएगी। मेरे हबीब ने फरमाया जितनी घर के अंदर रहोगी, दुनिया तो दुनिया रही, अल्लाह की नजर में तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, रब करीम की निगाह में तुम्हारा वकार बढ़ जाएगा, अल्लाह की नजर में तुम्हारी अजमत बढ़ जाएगी। और जब औरत निकलती है, जब वो घर से
निकलती है मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत छुपाने की चीज है, छुपाने की चीज है, छुपाने की ये कीमती है, ये खजाना है, इसे छुपा के रखो। फरमाया जब ये घर से निकलती है, फरमाया और कोई देखे ना देखे शैतान उसे देखता है, शैतान वसवसा अंदोजी करता है, शैतान उसे देखता है, और हबीबे करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब बात करते थे, जब लफ्ज बयान करते थे, मोहताज जुमले बोलते थे, बड़ा कम रहमतल्लिल आलमीन नबी की जुबान से बड़ा कम सख्त जुमले निकलते थे, मेरे हबीब ने लफ्ज अदा किए सख्त जुमले। मेरे करीब ने फरमाया जो औरत ये जो माए बहने सुन रही हैं खुदा रा आगे पहुंचाएं, आप भी घर में जाएं तो ये वाला आवाज अपने घर में पहुंचाएं, सुनाएं खुदा रा, सुनाएं खुदा रा। रोज एक कयामत टूटती है, ओ मेरे भाई लाखों इज्जतदार लोग अपने तकिए पे मुंह रख रख के रोते हैं, इसलिए कि वो बच्ची जिसके बारे में कहते थे हमें इतबार है, इतबार, इतबार का लफ्ज बोल के बाप जो जुल्म करता है अपनी बेटी पे, भाई इतबार का लफ्ज बोल के जुल्म करता है बहन पे, इतबार का जुमला बोल के ज्यादती करते हैं हम अपनी जानों पर। हजरत जुनैद बगदादी सूफिया के सखील, सरखील सूफिया के, उनसे एक शख्स कहने लगा मुझे बेटी पे इतबार है, मैं उसको फलां जगह दाखिल ना करा दूं पढ़ ले। आप फरमाने लगे तुझे एतबार है तो क्या अल्लाह के रसूल को एतबार नहीं था, ये तूने कैसा लफ्ज बोला, तुझे एतबार है नबी पाक को नहीं था। मेरे महबूब के पास हजरत आयशा सिद्दीका बैठी थी, और वो बीबी जिसको कुरान कहता लस्तुन्ना कहदम मिनन निसा, तुम्हारे जैसी दूसरी कोई हो सकती नहीं। मेरे महबूब के पास हजरत अफसा बैठी थी, जनाबे सौदा बैठी थी, इससे बढ़कर भी किसी को एतबार होगा जिनको कुरान कहते हैं जैसी दूसरी हो ही नहीं सकती। हजरत अब्दुल्ला बिन मक्तूम नाबीना से अभी आए, ओ भाई नाबीना दिल की आंखें खोल के सुनो, नाबीना से अभी नाबीना आंखों से नजर नहीं आता, हुजूर की बारगाह में आए मुझे एतबार है बेटी पे, मुझे एतबार है, संदल की बनी हुई बेटी है, हूर है तेरी बेटी, उसके करीब गुनाह नहीं जाता, ये तू ज्यादती कर रहा है अपनी बेटी पे, ये जुमला बोल के तू जुल्म कर रहा है, तू जालम और फाजर हो गया जब तूने ये कहा कि मुझे इतबार है, मेरे हबीबे पाक से बढ़कर किसको इतबार होगा। मेरे करीम रसूल सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा थी, हजरत अफसा थी, हजरत सौदा थी, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम नाबीना आए, तो मेरे नबी ने फरमाया बीबियों पर्दा करो, बीबियो बोल के बताइए, बीबियो सारे बोलिए बीबियो, अल्लाह करे ये आवाज गूंज जाए पूरे मुआशरे में, बीबियो मेरे नबी ने जुमला कहा, बीबियो पर्दा कर लो, पर्दा करो, नजरें झुकाओ, नकाब ओढ़ो। एक जौजा बोली हुजूर उन्हें तो नजर नहीं आता, वो तो बेचारे नाबीने हैं। तिर्मिजी में हबीबे पाक के लफ्ज सुनिए, या रसूल अल्लाह उन्हें तो नजर नहीं आता, मेरे रसूल ने फरमाया तुम्हें तो नजर आता है ना, तुम तो अंधी नहीं ना, वो एक मर्द आया है, वो एक सियाबी आया है, तुम्हें तो नजर आता है, तुम्हारी आंखें तो है, उसे फितना आए ना आए तुम्हें नजर आता है, खबरदार पर्दा करो, आंखें झुकाओ, चेहरों पे नकाब डालो। हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे अगर मेरे रसूल पाक अपनी अजवाज को कहते हैं पर्दा करो और तू कहता है मुझे इतबार है, अगर नबी पाक अपनी बेटी हजरत फातिमा को कहते हैं पर्दा कर तू कहता है मुझे इतबार है। जनाब जुनैद बगदादी मजीद बोले, आप फरमाने लगे अगर हसन बसरी पढ़ाने वाला हो, राबिया बसरी पढ़ने वाली हो, और बीच में कुरान पाक पढ़ा हुआ हो, पढ़ाने वाला हसन बसरी, पढ़ाने वाले हसन बसरी जिन्होंने मौला अली शेरे खुदा की सोहबत पाई, जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा के घर में परवरिश पाई, फरमाया पढ़ाने वाला हसन बसरी, पढ़ने वाली राबिया बसरी, वो बीबी जो दुआ मांगे तो अल्लाह मुर्दा ऊंट को जिंदा फरमा दे। फरमाया पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाले राबिया बसरी हो, और जो पढ़ा जाए वो कुरान हो। फरमाया कसम अल्लाह की इज्जत की मैं फिर भी उन्हें पढ़ने पढ़ाने की इजाजत नहीं देता, मैं फिर भी उन्हें तन्हाई में बैठने की इजाजत नहीं देता, मैं फिर भी उन्हें अकेले रहने की इजाजत नहीं देता, इसलिए कि ये हसन बसरी है और मना करने वाले इमामुल अंबिया है, इसलिए कि ये राबिया बसरी है और मना करने वाले सैयदुर रुसल है, खबरदार फिर भी इजाजत नहीं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम बोले हुजूर की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई नेक आदमी किसी नेक औरत के साथ बेपर्दा हो, नेक आदमी
वो पीर गुनागार नहीं जिसके पास बीबियां जाती हैं, वो गुनागार नहीं, वो तो मुजरम है। वो खाली गुनागार नहीं, वो तो पापी है। वो खाली गुनागार नहीं, वो तो दीन का डाकू है। डाकू वो तो फासिक है, वो तो दीन की हदें तोड़ने वाला है। वो तो उसको तो घसीटा जाएगा कयामत के दिन, जो औरतों से बेपर्दा मिलता तो घसीटा जाएगा। लेकिन सवाल ये है, वो खावंद किधर होता है जिसकी बीवी पीर के पास अकेली जाती है? सवाल ये है, वो भाई किधर होता है जिसकी बहन पीर के पास अकेली जाती है? सवाल ये है, बेटा किधर होता है जिसकी अम्मा अकेली जाती है? मेरे नबी रहमत नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सरवरे कौन मका सयाह लामका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में सियाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर अगर नेक हो बंदा, बीबी भी नेक हो, तो एक में बैठ सकते हैं? आला हज़रत ने फरमाया, अगर औरत दीन सीखने चाहे, पीर के पास जाए, तो अपने खावंद के साथ जाए, अपने भाई के साथ जाए, फिर भी पर्दे में बैठे, दूर बैठे, आवाज के साथ बात को समझे, लेकिन उसको तनाई करने की इजाजत, किसी को भी इजाजत है? वो चाहे जो मर्जी भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, बड़ी खुली बात कर रहा हूं। मेरे हबीब पाक से पूछा, हुजूर अगर मर्द औरत नेक हो फिर भी तनहा नहीं बैठ सकते? मेरे महबूब ने फरमाया, अगर ज़करिया के बेटे यहया हो और ईसा की वालदा मरियम हो, तो फिर भी मैं उन्हें तन्हा रहने की इजाजत नहीं देता, फिर भी उन्हें तन्हा रहने की मैं इजाजत नहीं देता, फिर भी इजाजत नहीं है। जब मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी पाबंदी लगा दी, जब बात हजरत हसन बसरी और राबिया बसरी की आ गई, जब बात जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा और जनाबे सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम की आ गई, जब यहां तक बात पहुंच गई, तो फिर तू मॉडर्न है, फिर तू ज्यादा एतबार वाला है कि तेरी बेटी यूनिवर्सिटी ड्राइवर के साथ जाती है? फिर तू, तूने कहां से वो उसके अंदर नूर भर दिया है कि तेरी बेटी अकेली घूमती है? फिर कहां तूने ये बात समझ लिया है कि तेरी बच्ची जहां मर्जी तन्हा रहती है? फिर तू कहां से वो कुव्वत लाया? ये तालीम है? इकबाल ने कहा, यार मशरिक हवस में गलता शबाब उरिया शराब इसियां, इसे भी देखो गरी के इसियां, हम ऐसी तहजीब क्या करेंगे? और इकबाल कहने लगे, तुम्हारी तहजीब खुद अपने खंजर से खुदकुशी करेगी, इसलिए कि जो शाखे नाजुक पे बनेगा आशियाना वो ना पायदार होगा। मेरे भाई, हम लोग पहले हाथ में आग का अंगारा देते हैं, फिर कहते हैं बेटे तूने जलना नहीं। हम पहले उसको सारी सहूलियात देते हैं, फिर कहते हैं तूने बिगड़ना नहीं। मेरे नबी रहमत नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बीबी बन सवर के बाजार जाए, मेरी तरफ देखे, आंखें खोल के देखे, ये हदीस आपने सुनानी है इंशाल्लाह। बोलिए, सुनाएंगे इंशाल्लाह ताला? बोल के इंशाल्लाह कहिए, आपको सवाब होगा। सुनाएंगे इंशाल्लाह? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत बनसवर के बाजार जाए, अब तो खैर बीबियां बुरका पहन के जाती, बुरके पे भी कढ़ाई की गई, बुरके पे भी काम कराया, बुरके पे जो काम और नक्श निगारी हुई है वो 10,000 की है। बुरका पर्दे के लिए पहनना था, दिखाने के लिए? ये कैसा बुरका है कि उसने बुरका भी पहना हुआ है और बुरका भी उसने फैशन वाला पहन लिया है? ये किस तरह का, इस तो पर्दे को पर्दे की जरूरत पड़ गई। ये कैसा पर्दा है कि जो पर्दे को पर्दे की जरूरत है? बुरका तो इसलिए होता है कि मुझे देखे कोई ना, और इसने तो पहना ही इसलिए कि जरा लोग देखें तो सही मैंने कितना कीमती पहना है। इस हिजाब को हिजाब की जरूरत पड़ गई। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिला जरूरत, औरत को इजाजत है बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाए, औरत को इजाजत है जरूरत पड़ जाए घर में सौदा सलब ना आता हो तो लेने चली जाए, औरत को इजाजत है अगर गवाही की जरूरत पड़ जाए तो पर्दा करके काजी अदालत के पास गवाही देने जाए, औरत को इजाजत है हज पे जाए, औरत को इजाजत है उम्रे पे जाए, औरत को इजाजत है कि अगर किसी वक्त जिहाद के लिए औरतों की जरूरत पड़ गई तो हजरत फातिमा और जनाबे आयशा की सुन्नत अदा करे, जिहाद को जाए। लेकिन अगर औरत मौज करने जाए और रोज कहे वो देखे ना, फलां फलां पार्क में थे आप तो कभी गए ही नहीं, फुला फुला जगह थे आपके पास तो फुर्सत ही नहीं, फुला मेरी सरगोदे वाली बहन का खामन तो रोज लेके जाता है आपने तो कभी तवज्जो नहीं फरमाई, रोज पैगाम देती रहे। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बीबी बन सवर के बिला जरूरत बाजार जाए, नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, एक कदम वो उठाएगी तो उस पर अल्लाह की लानत बरसेगी, फरिश्तों की लानत बरसेगी, जमीन वाले लानत बरसाएंगे, आसमान वाले लानत बरसाएंगे। और मेरे हबीब बोले तो फरमाया, जब अल्लाह की लानत बरसेगी तो मैं भी उस बीबी पे लानत ही करूंगा जो बीबी बन सवर के जाए।